हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार, तो कल आज मैंने अभी अभी ब्लॉग एक अपलोड कर दिया है, पब्लिश नहीं किया है। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरा घर का जितना काम था, एडिटिंग कर रही थी सुबह सुबह, एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग की उसी टाइम पे, मतलब बीच बीच में खाना बनाई, फिर एडिटिंग की, खाना खाई, अर्पित को खाना खिलाई, मतलब ब्रेकफास्ट अभी लंच नहीं किया है। और अर्पित को आज नहलाया नहीं मैंने, देखिए आवाज़ आ रहा है ना, कोई अगर सुनेगा ना तो लगेगा कि इसको शायद कुछ हुआ है, बच्चे को कुछ तकलीफ हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, वही उसका खेल है। ओ ओ ओ ऐसे करते हैं और इस तरह से खेलते हैं। तो चलिए, वो टीवी भी देख रहा है और खेल भी रहा है, और थोड़ी देर में उसको खाना खिलाऊंगी लंच। और आज मैंने देखिए ये सब ना निकाल दिया है, आज नहीं निकाला है, कल निकाल चुकी थी मैं, कल या परसों निकाली थी। गले का चेन भी निकाली और कान का भी, दूसरा पहनूंगी इसलिए मैंने निकाल दिया है। और अभी ठंडी ठंडी थोड़ा सा लगने लगा है, अभी अभी मैं नहा के बाहर निकली हूँ और ढेर सारा आज मैंने कपड़ा धोया है, बहुत बहुत सारा, ढेर सारा। बिस्तर बिस्तर नहीं, क्या बोलते, बेडशीट बेडशीट, कपड़ा मेरा, अर्पित का बहुत ढेर सारा रखा हुआ था, अर्पित का, अर्पित के पापा का, सभी का। और यहाँ पर देखिए बेड को भी सही कर लिया है, यहीं पर बैठे बैठे अभी मैं एडिटिंग कर रही थी और पब्लिश भी कर दूंगी थोड़ी देर में। अरे कितना चिल्ला रहे हो, चलिए दिखाती हूँ क्या कर रहा है, देखिए ये देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मस्ती। हाँ आज छोटा सा पैंट पहना दिया मैंने अर्पित को, चड्डी जैसा, हाँ एकदम छोटा सा पैंट है जब छोटा था ना तब का है ये देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये अभी खाना खा रहा है ना अर्पित को? नहीं, नहीं क्यों क्यों नहीं खाना? और वहां पर जो बॉटल दिख रहा है ना, वहाँ अर्पित का ही है, वो पानी रहता है और ग्लास वो खुद ही ले लेके पानी पीने लगता है। अभी खेल रहा है और इधर चल रहा है, ये देखिए उसका कार्टून। और मैंने कितना कपड़ा धोया वो भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये देखो, ढेर सारा कपड़ा धो दिया है मैंने। यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में बैठती हूँ और वीडियो को पब्लिश करती हूँ और फिर मैं क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और वीडियो को पब्लिश कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, घंटी दबा के ऑल पे तो क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए कल मैंने शैम्पू किया था, कल नहीं परसों, वैक्सीन था मेरा और वैक्सीन लगा के आके फिर शैम्पू किया था ऐसे चिपकू होके गई थी, तेल लगा के गई थी मैं वैक्सीन लेने, और यहीं सामने गए थे, ज़्यादा दूर नहीं, और जाके फिर आके मैंने शैम्पू किया। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बोला कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन गुरुवार के दिन मैंने और कोई भी शूट नहीं किया था, यह है शुक्रवार का दिन। और अभी है लंच करने का बाद का टाइम और अर्पित यहाँ पर खा रहा है, देखिए चिप्स, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद और टीवी देख रहा है। और मैंने सोचा कि चलो खा लो और मैं फटाफट जो काम है वो कर लेती हूँ। काम करने के बाद ये देखिए हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को भी मैं साथ में लेके चलती हूँ। अचानक से जा रहे हैं और आज हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं गए थे,
वो आज घर पे थे इसलिए मैं बोली कि चलिए आज घूम के आते हैं। तो बहुत दिन से वो भी बोल रहे थे चलो चलो घूम के आते हैं कहीं पर। तो ऐसे वैसे काम 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 करते करते ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज फाइनली टाइम मिला है और जा रहे हैं हम कहीं घूमने। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के सामने ही है। तो चलिए अभी निकलते हैं खाना खाने के बाद, मतलब लगभग अभी 3 बज गया है, 3:30, और मैं यहीं पर आप लोगों को देख भी रही थी और अपना बाल भी सही कर रही थी। मैंने बाल को बांध लिया है क्योंकि अभी जाऊंगी ना गाड़ी में तो क्या होगा, बाल खुला अगर छोड़ दूंगी तो ख़राब हो जाएगा, मैसी सा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बांध लिया है और जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा के बाल को खोल दूँगी। तो चलिए अभी घर से निकल रहे हैं और सीधे मिलती हूँ मैं कहाँ पर, चलिए अभी बता देती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए आ गए हैं हम पार्क में। ये है इको पार्क कोलकाता का, बहुत बड़ा पार्क है ये, बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा, एक दिन में आप घूम भी नहीं पाओगे शायद। आप लोग अगर कभी कोलकाता आओ तो इको पार्क ज़रूर घूम लीजिएगा, बहुत बड़ा पार्क है। लेकिन मैं एक दिन में नहीं घूम पाऊँगी, इतना मुझे ताकत नहीं है। तो बस हम लोग गेट नंबर 4 पे आए हैं और यहाँ पर आके ना टिकट काटना है, जो पार्क का टिकट होता है वो 30 रुपीज़ करके हैं एक एक लोगों का। तो चलिए काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और अभी टिकट काट लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 7 वंडर है, तो ये देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा भी रही हूँ, अभी घुसे नहीं है बहुत, मतलब अंदर है ये सब। तो चलिए ताजमहल दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं। और वहाँ का अलग से टिकट है 7 वंडर का। तो चलिए अभी जाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, आप लोग भी चलिए इंजॉय कीजिए हमारे साथ। लोग 7 वंडर में घुस गए हैं, यहाँ का अलग से टिकट काटना पड़ता है, ये भी 30 रुपीज़ करके टिकट है एक एक का। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है लेकिन वीडियो से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर आके देखोगे ना सच्ची में जाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग घूम लेते हैं। अर्पित बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और उसको मैं पकड़ी रही थी इसलिए क्योंकि उससे बस वो आप लोगों को बांस दिख रहा है ना घेरा हुआ है, वो पानी में जाने का कोशिश कर रहा था कि उसको अंदर जाना है और वो पानी उसको हाथ में लेना है। तो मैं बोल रही थी यहाँ से हाथ में लो देखो, लेकिन नहीं, उसे बस वहाँ पानी में कूदना है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। और वीडियो में अगले दिन और भी इस पार्क का और भी दूंगी आप लोगों को वीडियो क्लिप, लेकिन इस फ़ोन में मेरे फ़ोन में इतना ही था तो मैंने शेयर कर दिया। और मेरे पति देव ने भी शूट किया है तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अलग से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।